हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं 33x33 प्लॉट साइज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्लॉट जो है अलवर राजस्थान का है। ये मिस्टर गितेश का हमने डिज़ाइन किया था। डेट है 22/1 को, ठीक है। ये आपका नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है। प्लॉट साइज़ जो है 33x33। ओके, ये ग्राउंड फ्लोर है। इसका फर्स्ट फ्लोर भी आपको हम दिखाएंगे विद डायमेंशन, और ये कंप्लीट वास्तु के ऊपर बेस्ड है। अगर आपके प्लॉट से रिलेटेड डिज़ाइन आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके प्लॉट से रिलेटेड जो भी साइज़ आपका होगा प्लॉट का, उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल सके। ओके, बाकी अगर कोई भी व्यूअर्स मुझसे डिज़ाइन करवाता है प्लॉट, तो आपका डिज़ाइन जो है हो जाएगा। उसके लिए चार्जेस जो है डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, प्लस नंबर भी वहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर जो भी हम प्लॉट की वीडियो बना रहे हैं उसका अगर आपको PDF चाहिए, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट से। ओके, ये जो 33x33 का प्लॉट आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से वास्तु के ऊपर डिज़ाइन किया हुआ है, वास्तु के हिसाब से। तो चलिए हम एंट्रेंस से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे 12 फुट की एंट्रेंस छोड़ी है, वो इसलिए जैसे कि यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट थी कि दो हमें गाड़ियाँ पार्क चाहिए अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हमने दो गाड़ियों के लिए जगह छोड़ा, ठीक है। आप चाहे तो इसको पूरा छोड़ सकते हैं अगर टाइट लगे तो, अदरवाइज़ आप एक एक करके जो है पहले ये राइट साइड वाली गाड़ी अंदर ले जा सकते हैं, उसके बाद ये वाली गाड़ी ले जा सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। हम आते हैं बेडरूम वन पे। बेडरूम वन जो है आपका 12 फुट बाई 11 फुट 9 इंच, ठीक है, साइज़ है ये। दोनों साइड से विंडो है, प्लस यहाँ पे 6-7 फुट की अलमारी मिल रही है आपको, और एक LCD पैनल मिल रहा है। जो बेडरूम्स के हम दरवाजे रखते हैं वो नॉर्मली 3 फुट के रखते हैं, और बाथरूम के जो है 2 फुट 6 इंच के रखते हैं, यानी 2.5 फुट के रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वॉशिंग एरिया आ गया, यहाँ पे एक बाथरूम आ गया कॉमन, और यहाँ पे आपका वॉश बेसिन आ गया। कॉमन के लिए हम ये प्रेफर करेंगे, कॉमन जैसे गेस्ट वेस्ट के लिए जो है ना, ये ग्राउंड फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे कोई गेस्ट टॉयलेट नहीं है, कॉमन टॉयलेट नहीं है। सारी आउटर वॉल जो है 9 इंच की है, प्लस आपका एक वॉल हमने 4.5 इंच के लिए बैक साइड की, साउथ की, ठीक है। आप इसको भी चाहे तो 9 इंच की कर सकते हैं। और यहाँ पे आ गया आपका साउथ ईस्ट में आपका किचन आ गया। इसका साइज है 6 फुट 9 इंच बाई 10 फुट, 10 फुट लेंथ है। और यहाँ पे आपका आ गया स्टेयरकेस, ठीक है। आप यहाँ से चढ़ते हैं और यहाँ से घूम के यहाँ पे आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे उतर जाते हैं। इस हिसाब से ये स्टेयरकेस डिज़ाइन किया हुआ है। आते हैं बेडरूम टू पे। बेडरूम टू का साइज़ जो है 12x10 का है, जिसमें भी इसमें भी सेम साइज़ का जो है अलमारी मिल जाती है आपको, एक LCD पैनल मिल जाता है, और एक विंडो मिल जाता है, ठीक है। और इससे बता देते हैं कि ये रोड से आपका आप जितना मर्जी आप मतलब 1.5 फुट इसको ऊपर रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये पार्किंग वाले एरिया को, ठीक है। उसके बाद आप इसमें जो है ना, ये किचन है प्लस ये है, आप इसको कुछ वेरिएशन दे सकते हैं। इसका लेवल जो है, ये लाइन जो आप देख रहे हैं ना, इसको लेवल अलग कर सकते हैं, 6 इंच 8 इंच तक आप मैक्सिमम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ऑलरेडी एक स्टेप डाला हुआ है, आप चाहे तो जैसे अगर स्टेप अगर कोई बढ़ रहा है तो आप इधर बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 3 4 स्टेप तो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, अगर हाइट की वजह से अगर स्टेप बढ़ना है तो, क्योंकि आगे अगर ऊपर जाते हैं तो आगे यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। इस हिसाब से हम कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे भी हमने एक यहाँ पे किचन प्रपोज किया हुआ है, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट थी, आप चाहे तो इसमें एक बड़ी विंडो दे सकते हैं, लेकिन मैंने बड़ी विंडो इसलिए नहीं लिया ना कि यहाँ पे जो है ना ओवरहेड कैबिनेट के स्टोरेज में प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब कम स्पेस मिलता है। आप चाहे तो इसको बड़ा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है, बाकी सेम साइज़ का किचन है, जो नीचे है वही ऊपर है। आप यहाँ पे जो है, जैसे ये डाउन है तो आप मतलब फर्स्ट फ्लोर पे हैं, आप यहाँ से अब जाएंगे नीचे, ठीक है, अब और यहाँ से जाएंगे आप सेकेंड फ्लोर पे, ठीक है, ये ब्रेकिंग लाइन का यही मतलब होता है। ठीक है, ये बेडरूम जो है आपका नीचे जैसा था एज इट इज़ ऊपर आ गया, प्लस यहाँ पे 3 फीट की एक बैल्कनी मिल जाती है और एलसीडी पैनल, प्लस इसमें अटैच बाथरूम मिल जाता है आपको 8 फुट 3 इंच बाय 4 फुट 6 इंच का, 4 फुट 6 इंच ऐसे है आपका, 8 फुट 3 इंच ऐसे है, ठीक है। और जैसे ही हम यहाँ पे अप करते हैं, यहाँ पे हमारा एक डाइनिंग पोर्शन हो जाता है, आप 4 सीटर रखिए या 6 सीटर रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक हमने जो है डॉटेड में ये जो शो किया हुआ है कटआउट अबव लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कटआउट आप दे भी सकते हैं या फिर ना दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमने एक शो कर दिया है कि ऑल्टरनेट है, कि आप रख सकते हैं क्योंकि इसमें जो है चारों साइड से वेंटिलेशन है, तो इसलिए हम इस कटआउट को हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। प्लस यहाँ पे एक एल शेप में आपका सोफा सीटिंग आ गया, प्लस यहाँ पे आपको एलसीडी पैनल मिल गया, ठीक है। ये आपका 12 फुट 3 इंच ऐसे लेंथ है और 12 फुट इस वॉल तक है, 12 फुट क्लाइंट को ऊपर भी जो है दोनों साइड से एक्सेस चाहिए था, वो भी वाइड, जिससे कि मतलब हवा अंदर आ सके काफ़ी इजीली। तो हमने 5 फुट 6 इंच फ्रंट से छोड़ा हुआ है और 4 फुट 6 इंच साइड से छोड़ा हुआ है, वेस्ट साइड, इधर भी रोड है एक्चुअली, इसलिए मतलब 3 फुट का जो है क्या है, 3 फुट बाउंड्री के बाद आपका रोड है, ठीक है। इस हिसाब से जो है आपका ये किड्स रूम बन गया, यहाँ पे जो है कॉमन एक बाथरूम मिल जाता है आपको, मैंने नीचे बोला था कॉमन, आप इसको कॉमन एज ए कॉमन भी यूज सकते हैं, जैसे मतलब अटैच भी यूज कर सकते हैं इसको, इधर से बंद कर दें आप, इधर से बस इसको रिवर्स करना होगा। बालकनी आपको मिल जाती है 4 फुट वाइड, क्योंकि आगे अपना ही प्लॉट है तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं, ओके। गेस्ट बेडरूम जो है 13 फुट 3 इंच बाय 9 फुट का मिल रहा है, 9 फुट इसे 13 फुट 3 इंच इस तरीके से, ठीक है। ये था हमारा ये प्लॉट जो वास्तु के ऊपर बेस्ड है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।